लोक जनशक्ति पार्टी लेबर सेल के प्रदेश कार्यालय पर राष्ट्रीय ध्वज प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र कुमार टंडन द्वारा फहराया गया। इस अवसर पर राजेंद्र कुमार टंडन ने कहा कि हम सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस का पर्व त्योहार की तरह मनाना चाहिए और जिसकी मिसाल उत्तर प्रदेश लोक जनशक्ति पार्टी लेबर सेल के इस कार्यालय पर दिखाई देती है। इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग कार्यालय पर मौजूद रहे। सभी ने तिरंगे झंडे को सलाम किया और उन देश के सैनिकों को जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानी दी। साथ ही कहा कि जो सैनिक बॉर्डर पर रातों को जागकर सीमा पर तैनात रहते हैं और 125 करोड़ हिंदुस्तानियों को चैन की नींद सोने में मदद करते हैं, ऐसे सैनिकों को हमेशा प्रणाम करना चाहिए। इस अवसर पर राष्ट्रगान भी गाया गया। राष्ट्रगान के बाद देश पर मर मिटने वाले अमर शहीदों की जय हो, तिरंगे झंडे की जय हो, भारत माता की जय हो के नारे बुलंद किए गए। साथ ही साथ राजेंद्र कुमार टंडन ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री स्वच्छता अभियान को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास पासवान के उस लक्ष्य को उस घर में दिया जलाएं जिस घर में अंधेरा है, हम लोगों को इन सभी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाना होगा। साथ ही राजेंद्र कुमार टंडन ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री का सपना स्वच्छ भारत अभियान को हमें जन जन तक पहुंचाना है, उसी के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास पासवान के उस लक्ष्य को हर घर में दिया जलाएं इस अभियान को भी जन जन तक पहुंचाना है। इस मौके पर लोक जनशक्ति पार्टी लेबर सेल के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र कुमार टंडन, सूफी वसीम, अहमद शमीम अख्तर, रमेश अरोड़ा, राजू श्रीवास्तव, सरदार राजवीर सिंह, हरदयाल सिंह, भूपेंद्र गुप्ता, गौरव गुप्ता, मोहम्मद यासीन और सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद रहे। गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैंने अपने कार्यालय लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यालय पर बड़े धूमधाम के साथ अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने मिलने वालों के साथ, अपने देशवासियों के साथ मैंने गणतंत्र दिवस के पर्व को बहुत अच्छे ढंग से, जो मेरे से बन पड़ा मैं उस हिसाब से मैंने गणतंत्र दिवस मनाया, जिसका मैं अपने अमर शहीदों का आभारी हूँ जिन्होंने आज मुझे इस लायक बनाया कि मैं यहाँ गणतंत्र दिवस मनाऊं। और मेरे इस गणतंत्र दिवस, हमारे इस गणतंत्र दिवस को हमारे देश में तो मनाया ही जाता है, लेकिन दूर दूर के और जो देश हैं वहाँ पर भी हमारे तिरंगे का इतना सम्मान किया जाता है, इसका लिए मैं अपने अमर शहीदों का आभारी हूँ जिन्होंने आज हमें इस देश को आज़ाद किया। और इस देश को आज़ाद का मैं भी एक कहीं ना कहीं कण हूँ, जिसको कि आज मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने ये गणतंत्र दिवस मनाया। मैं सभी देशवासियों से अपील करता हूँ और ये चाहता हूँ कि हमारे देश का बच्चा बच्चा इस गणतंत्र दिवस को बड़े धूमधाम से मनाए और इसमें खुशियाँ बांटे, क्योंकि ये गणतंत्र दिवस हमारे देश का सबसे बड़ा पर्व है और इसको सब लोग मिलजुल कर मनाएं। इसके लिए मैं सब लोगों से कामना करता हूं, इन लोगों से अपील करता हूं, परिवारों से अपील करता हूं कि मेरे देश का बच्चा बच्चा इस गणतंत्र दिवस को खूब हर्षोल्लास के साथ मनाए और आगे जो आज जितना भी मनाया है या हम लोगों ने मनाया, हमारे परिवारों ने मनाया है, उससे 1000 गुना अगले साल और मनाए।